अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापस से स्वागत है आप सभी लोगों का एक क्यू एन ए वीडियो में, जो हर संडे के दिन आती है। आपके द्वारा पूछे गए जरूरी सवालों के जवाब इसमें जो है आपको मिलता है। सऊदी अरब में अगर कोई जाता है तो जाते हुए बिना इकामा बने वो जो है छुट्टी पर आ सकता है क्या, उसके रिगार्डिंग भाई का सवाल था। और कई लोग जो है जेल से पकड़ के आते हैं, उनका सवाल था कि हम जेल से पकड़ के आए हुए हैं लेकिन जो है जवाजात प्रिंट निकलवाने में फाइनल एग्जिट दिखा रहे हैं, तो क्या सऊदी अरब जा सकते हैं क्या? कौंसलेट सऊदी का कितने दिनों तक मुंबई में बंद रहेगा, यानी वीज़ा के काम का जो वीज़ा इशू होता है वो कब तक इशू नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। और भी ज़रूरी सवाल जो पूछे गए थे लोगों के द्वारा, उसके जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। किसी का वीज़ा जो है एक कंट्री का इशू हो गया है, फिर वो चाहे तो दूसरे कंट्री का वीज़ा इशू करा के जा सकता है क्या उस देश में वर्क वीज़ा पे, उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को जो है जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट रहें ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग तो आप भी आपके सवाल जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद आप फीडबैक जरूर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों में, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखिए। चलिए सबसे पहला जो है एक सवाल लेना चाहूँगा भाई का, ये कुछ जिया अंसारी करके कह रहे कि डियर सर, अगर वीज़ा लग गया है और किसी वजह से फ़्लाइट नहीं हो पाई और वीज़ा एक्सपायर हो गया तो क्या वीज़ा कैंसिल होने में कितना टाइम लगता है और क्या मैं दूसरे मतलब दोबारा जो है नया वीज़ा स्टैम्प हो सकता है क्या? देखिए अगर किसी का भी वीज़ा लग गया है, किसी कारण वो जो ट्रैवल नहीं करता है, 3 महीने की वैलिडिटी रहती है, 3 महीने के अंदर ट्रैवल करना होता है, नहीं ट्रैवल किया तो फिर उस वीज़ा को कैंसिल कराना पड़ता है, उस वीज़ा पे वो नहीं जा पाएगा। वो वीज़ा कैंसिल होगा, कैंसिल होने में जो है लेटर वगैरह मंगाना पड़ता है, थोड़ा टाइम जाता है। लेटर अगर कभी जल्दी दे दिया तो कैंसिल जल्दी हो जाएगा, वो जो है लेटर देने में आनाकानी किया तो थोड़ा टाइम जाता है, 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि लेटर कब दे रहा है। अब जब वीज़ा ये कैंसिल हो जाएगा तो आप जो है दूसरे वीज़ा पे जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपका दूसरा वीज़ा आप लगा के दूसरी जगह दूसरे कफिल के पास दूसरे कंपनी में आप सऊदी अरब जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अगला सवाल है एक आसिफ ऑफिशियल, इनका सवाल है भैया पासपोर्ट पर वीज़ा कब स्टैम्प होगा, सऊदी के वीज़ा के रिगार्डिंग ये पूछ रहे हैं। सऊदी का वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैम्प नहीं होता है, अब वो सब चीज़ पूरा प्रोसेस पुराना ही है वीज़ा वो इशू कराने के लिए, लेकिन जब कौंसलेट जाता है तो कौंसलेट सब चीज़ वेरीफाई करने के बाद जो है डिजिटल एक प्रिंट आ जाता है, वो इशू कर देते हैं, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं वो डिजिटल प्रिंट वीज़ा का, वो रहेगा। अब आपके पासपोर्ट पर जो है हार्ड कॉपी स्टैम्प होकर स्टिकर आता था वो नहीं होगा, और इन फ्यूचर भी अब वो नहीं होगा। और सऊदी कई सोचते हैं कि सऊदी हम पहुंच जाएंगे तो वहां जाके स्टैम्प हो जाएगा, कुछ नहीं, वहां भी जाएंगे तो आपको अराइवल का स्टैम्प लगेगा, वीज़ा का स्टिकर नहीं लगेगा। दूसरे एक भाई इसमें ये रंजीत करके वो कह रहे हैं कि एक लड़का सऊदी में है उसको बुलाना है तो पीओई ऑफिस जाना पड़ेगा, क्या बताइए? भाई देखिए अगर कोई भी सऊदी अरब में फंसा हुआ है, किसी भी तरह से फंसा हुआ है, तो पहले वो अपने एजेंट से कांटेक्ट करें जिन्होंने वीज़ा दिए, उनसे कांटेक्ट करें, वो ऑफिस वाले से कांटेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें इन लोगों को आप बोलेंगे तब जाके होगा। अगर ये लोग जो है नहीं जवाब दे पा रहे हैं सही से, कुछ आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं, तब आप जो है पीओई में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मिनिस्ट्री में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एम्बेसी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं उन सब चीज़ों के लिए, फिर वो आदमी जो है आ जाएगा। इसमें थोड़ा प्रोसेस में लंबा टाइम चला जाता है, अगर मिनिस्ट्री जल्दी से एक्टिव हो गई तो आपके बंदे को सऊदी अरब में कहीं भी होगा वहाँ से एम्बेसी वाले उसको उठा के फिर आपको रिटर्न भेज देंगे, ये प्रोसेस होता है। लेकिन पहला जो इनिशियल चीज़ होता है वो जिस भी सोर्स से वो सऊदी अरब गया है, एजेंट से, ऑफिस से, आप उनसे जो है कांटेक्ट करें, वो लोग काफ़ी से बात करके चाहेंगे तो उसको बुला सकते हैं। एक भाई हैं सरफराज, उनका सवाल है कि भाई हमको 1 मंथ हुआ है सऊदी में आए हुए, अब हम घर जाना चाहते हैं, सो हमको जो है कफिल घर नहीं जाने दे रहा है, कैसे जाएं? तो भाई साहब कोई भी आदमी हो, ये बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस होता है कि विदेश जाना मतलब 2 साल के लिए आप भूल जाओ, दुख दर्द खुशी गम सब भूलना पड़ता है 2 साल के लिए, जो लोग भी विदेश में रहते हैं वो उनको एक तरह से पत्थर बनना पड़ता है। अगर आपको जेन्युइनली वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है कफिल के साइड से, या जो काम है वो काम नहीं है, कुछ जेन्युइनली दिक्कत है, तो उसके लिए आप अपने एजेंट वगैरह को कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस वाले कांटेक्ट कर सकते हैं वापस आने के लिए, या एम्बेसी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सब चीज़ सही होने के बावजूद आपका मन नहीं लग रहा है आपको वापस आना है, इस केस में वो आपसे कुछ पैसे वगैरह भी लेगा, लेके वापस भेजेगा, लेकिन आपका ही नुकसान है। जब आना है तो वहाँ पे जाने का सोचना ही क्यों, कि जाके हम वहाँ रहेंगे और पता चलता है आगे जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं, वो 3 महीना जो वहाँ पे संभाल लिया फर्स्ट टाइम जो है, वो 3 महीना अगर संभाल लेता है तो फिर वो उसको आदत हो जाएगी, फिर वो वहाँ पर आराम से रह सकता है, फिर वो इंडिया में उसको अच्छा नहीं लगेगा। एक भाई है रुस्तम अली, इनका सवाल है कि 2 महीने में मेडिकल लीव कैसे लें बिना इकामा बने।
सऊदी अरब गए, हो सकता है कोई मेडिकली प्रॉब्लम है, इकामा बना नहीं है, इनको जो है छुट्टी चाहिए। तो भाई साहब एक चीज़ बता दूं, आपका अगर इकामा नहीं बना है तो छुट्टी नहीं मिलेगी। किसी भी आदमी को जिसका इकामा नहीं बना रहता है उसको छुट्टी नहीं लग सकता है। छुट्टी लगाने के लिए इकामा का बना होना ज़रूरी होता है, यानी जिस वीज़ा पर आप गए वो वीज़ा जब इकामा पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तभी आपका छुट्टी लगेगा। अगर आपका जो है इकामा नहीं बना है तो एक ही हो सकता है चीज़, वो है फ़ाइनल एग्जिट। आपका कफिल चाहे तो आपको फ़ाइनल एग्जिट लगा के भेज सकता है। अगर आपको छुट्टी आना है कफिल से और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो देख रहा है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो चाहे तो आपका इकामा बना देगा, बनाने के बाद छुट्टी लगा के भेज सकता है। या फिर वो चाहे तो भैया हम इतना पैसा नहीं खर्चा करेंगे, फाइनल एग्जिट लगा रहे हैं, जाओ, ये भी वो कर सकता है। डिपेंड करता है आप लोगों के व्यवहार के ऊपर। है भाई हैं गुलशन हमाद करके, इनका सवाल है कि गमका हेल्थ से हमने पेमेंट किया है बट कोई स्लिप जनरेट नहीं हुई है, पेमेंट इनका कट गया है गमका हेल्थ से। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, जो लोग भी सेल्फ में कोशिश करते हैं कि गमका का जो है अपॉइंटमेंट है हम ले लें, मेडिकल का अपॉइंटमेंट, गमका स्लिप जनरेट कर लें, उनको सबसे पहले उनके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे गमका जनरेट होता है। अब ये भी ज़रूरी है कि आप कौन सी साइट से गमका को जनरेट कर रहे हैं। बहुत सारी नकली जो है साइट्स, आप गूगल पर जब सर्च करते हैं करेंगे सऊदी गमका, बहुत सारी नकली साइट्स आ जाएंगी, आपके पैसे कटेंगे, गमका जनरेट नहीं होगा, पैसे कभी कभी ज़्यादा भी वो लोग काट लेते हैं। तो भैया एक चीज़ ध्यान रखिए, जो गमका की वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, वो है वफीद, WAFID wafid.com wafid.com पे आप जाएंगे, वहीं से आप गमका वगैरह इशू कर सकते हैं। ना कि अगर आप गूगल पे गमका सर्विस, गमका सऊदी, गमका गमका मेडिकल अपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ें सर्च करते हैं, वफीद भी आएगा लेकिन बहुत सारे नकली वेबसाइट आएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। आप उस पर जाके सारे डिटेल्स भर के पेमेंट भी कर देंगे, आपका पैसा चला जाएगा किसी स्कैमर के हाथ में और आपको स्लिप भी नहीं आएगी। शायद ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है। एक भाई है सैफ खान, इनका सवाल है कि भाई मैं छुट्टी पे आया हूँ, क्या दूसरे वीज़ा पे सऊदी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ? भाई आप जा सकते हैं सऊदी, कोई इशू नहीं है। जो लोग भी सऊदी अरब से छुट्टी आते हैं उनका 3 साल का बैन लगता था, वो बैन अब ख़त्म हो गया है। 16 जनवरी से ही नया कानून आ गया कि वो बैन ख़त्म कर दिया जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया, हो सकता है आप अपडेट ना हो। आप अगर सऊदी अरब से छुट्टी आए हैं, आपका छुट्टी एक्सपायर हुआ, तो आपको अब 3 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। छुट्टी एक्सपायर हुआ, आप जो है सऊदी अरब का अपना काम शुरू कराइए, आप सऊदी अरब जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक भाई अरशद हुसैन, इनका सवाल है कि असलम भाई, असलम भाई मैं सऊदी अरब से जेल से होकर आया हूँ, लेकिन जो है मेरा फाइनल एग्जिट लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? सऊदी अरब बैन तो नहीं है मेरा, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए भाई। भाई साहब जो लोग भी सऊदी अरब से, चाहे वो जेल के जरिए आएँ, एम्बेसी के जरिए आएँ, इकामा एक्सपायर है, वॉयलेटर है, पकड़ के आएँ या खुद सरेंडर करके आएँ, किसी से सेटिंग करा के आएँ, अगर वो लोग जो है आते हैं वापस इंडिया, तो वो फाइनल एग्जिट पे ही आएंगे। जब भी आप चेक करेंगे आपकी जवाजात की साइट पे या ऑनलाइन एमओई की साइट पे, आपका जो है वही दिखाएगा, फाइनल एग्जिट ही दिखाएगा। इस केस में जब आप वायलेटर हो जाते हैं, जेल से आते हैं, एम्बेसी से आते हैं, इन सब केस में थोड़ी ना आपको छुट्टी भेजेंगे कि भाई हम तुम छुट्टी लगा भेजना फिर दोबारा तुम आ जाना, वो फाइनल एग्जिट ही लगाएंगे और स्टेटस उधर फाइनल एग्जिट ही दिखाएगा। अगर आप ये चेक कराना चाहते हैं सऊदी अरब जा सकते हैं कि नहीं, तो आप जवाजात वाला पेपर देख के अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। आप जो है एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाइए, मतार पेपर जिसको बोलते हैं, बैन पेपर भी कई लोग बोलते हैं, वो मरहल का पेपर बोलते हैं, वो पेपर आप निकलवाइए। मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं वो पेपर निकलवा के देता हूँ। उसके जो चार्जेस होते हैं आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करिए, आप जो है इकामा कॉपी अपना भेजिए, वो पेपर निकलवा के आपको दे दिया जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि आप जा सकते हैं कि नहीं। एयरपोर्ट प्रिंट, बैन पेपर उसको बोलते हैं, उस पर अगर आपका क्लियर दिखाएगा एंट्री कि भैया मना दुखुल नहीं है, तो आप जा सकते हैं। अगर मना दुखुल लिखा हुआ है, मरहल लिखा हुआ है, तो लाइफ टाइम बैन है, नहीं जा सकते। एक भाई साहिल ऑफिशियल, इनका जो है सवाल है कि मौससा वीज़ा क्या होता है? भाई जान प्लीज़ रिप्लाई। मौससा वीज़ा देखिए, सऊदी अरब के आप लोग सुने होंगे, मौससा है कि शिरका है कि कफिल का है, ये 3 चीज़ें कॉमन है। मौसा और मसना भी आप लोगों ने सुने होंगे, मसना है। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो में सब बता चुका हूँ उसके बारे में, अभी आप मोटा मोटी बता देता हूँ। कफिल के पास जो वीज़ा होता है वो तो समझिए वो कफिल का वीज़ा हो गया, हाउस ड्राइवर, हाउस बॉय वगैरह का। उसके बाद से आता है मौससा, मौससा का वीज़ा होता है, मजरा का भी वीज़ा आता है, मजरा भी रजिस्टर्ड फॉर्म होते हैं, वो भी मौससा के सूरत में आते हैं। तो मौससा छोटी मोटी कंपनी हो जाती है जिसमें 10 से लेके 49 लोग तक काम करते हैं। उसके बाद से मसना आता है, फैक्ट्री 50 के ऊपर लोग हो जाते हैं तो मसना हो जाता है, फैक्ट्री हो जाती है, और मौससा से सेम मिलता जुलता होता है फैक्ट्री। उसके बाद होता है शिरका, शिरका में जब ज़्यादा लोग यानी 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं
तो वो हो जाता है एक ही स्पॉन्सरशिप में, एक ही मौससा में, तो वो शिरका में कन्वर्ट होता है, वो शिरका होता है। ज़्यादा लोग जिसमें काम करते हैं वो शिरका होता है। शिरका मतलब कंपनी, मौससा मतलब इस्टेब्लिशमेंट, और मसना मतलब फैक्ट्री। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक भाई है नमन करके, ये कह रहे हैं कि ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई। हमारे दोस्त का मेडिकल 23 को एक्सपायर हो जाएगा, उसका मोपा बायोमेट्रिक सब हो गया है, क्या उसका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा? छुट्टी नहीं पड़ती, मतलब ये जो ईद की छुट्टी नहीं पड़ती तो इनका वीज़ा ये हो जाता है। देखिए एक चीज़ बता दूँ, एक ग्रेस पीरियड एम्बेसी की तरफ से मिलता है या कॉन्सुलेट की तरफ से। वो ये होता है कि मेडिकल अगर एक दो दिन हो गया एक्सपायर हो गए, एक दो दिन वो लोग संभाल लेते हैं, आपके ऑफिस वाले सबमिशन करते हैं, वीज़ा लग जाता है। क्योंकि उनको मालूम है सबमिशन का डेट हर ऑफिस का अलग अलग होता है, हफ्ते में दो ही दिन मिलते हैं, तो एक दो दिन जो है वो मैनेजेबल है। यानी अगर 23 को एक्सपायर है, 24 का सबमिशन है, 24 को कॉन्सुलेट खुलेगा या 25 को सबमिशन होगा, 24-25 में इंशाल्लाह ये वीज़ा लग जाएगा। एक भाई है वो कह रहे हैं सलाम वालेकुम, ये कह रहे हैं कि दुबई का टूरिस्ट वीज़ा लगा हुआ है, एक महीना से ज़्यादा हो गया, अब सऊदी वीज़ा लग जाएगा क्या? तो मतलब खास करके समझिए इस तरह का है कि किसी आदमी का एक दूसरे देश का वीज़ा लगा हुआ है, वो सऊदी का वीज़ा ले सकता है क्या? चाहे वो विजिट हो, टूरिस्ट हो, तो ले सकता है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आप जो है आपका दुबई का वीज़ा इशू है, आप चाहें तो सऊदी का वीज़ा, वर्क वीज़ा इशू करा के आप सऊदी जा सकते हैं, सऊदी का विजिट वीज़ा भी लेके सऊदी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि आखिर कौंसलेट जो है वो कितना दिनों तक बंद रहेगा। कौंसलेट ईद की छुट्टी है, सभी लोगों को बकरीद की बड़ी मुबारकबाद हो। मंडे के दिन से जो है कौंसलेट बंद होगा यहाँ पे। कौंसलेट तो वैसे ये सर्कुलर जो जारी कर दिया था फ्राइडे को, क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक ही कौंसलेट चालू रहता है, तो फ्राइडे को सर्कुलर जारी करके कौंसलेट ने बताया है कि हम जो है 17/6 से लेके 21/6 तक बंद रहेंगे। तो 17/6 से 21/6 कितना दिन हुआ? 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ मैक्सिमम, मतलब फ्राइडे तक बंद रहेगा। लेकिन जो काम शुरू होगा वो 24 तारीख को शुरू होगा, यानी मंडे के दिन। फिर सैटरडे और संडे तो ऐसे ही बंद रहता है, तो मंडे के दिन पूरे एक हफ्ते के लिए कौंसलेट बंद होने वाला है। 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक कौंसलेट बंद रहेगा, 24 तारीख को जो है कौंसलेट खुलेगा, 24 जून को। तो इस बीच में जिनके भी मेडिकल एक्सपायर होने वाले रहेंगे, एक दो दिन अगर रहेगा तो वो संभाल के वीज़ा लग सकता है। आप चाहें तो ये जानकारी दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, और आपका फीडबैक जरूर दीजिए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।